माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि भाईचारे में बहुत ज़्यादा दम होते हैं। भाईचारे में इतना दम है कि जैसे 3 दिन हो गए सरकार ने उस ड्राइवर को जो इसकी हत्या कर दी गई थी, हम रूट पे चलने वाले सारे कनेक्ट ड्राइवर हैं, इसका मतलब हमारा कोई वाली वर्ष है ही नहीं। फिर तो हर किसी को कोई मार जाएगा, तो सरकार को इसके बारे में कदम उठाना चाहिए था, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। तो सिक्योरिटी क्या हुई फिर? एक गृह मंत्री के एरिए में इस तरह के मर्डर होते हैं तो संदेह के एरिए में। तो जब आप मांग कर रहे हो उनके लिए, तो सरकार इन मांगों पे लेके अमल करेगी क्या? वो तो जी सरकार पे डिपेंड है, सरकार ने करनी चाहिए। सरकार ने इतने कर्मचारी, करोड़ों 6-7 करोड़ का नुकसान है एक दिन गाड़ी रुकने से। पब्लिक परेशान है। जैसे आप कह रहे हो कि आज शाम को कॉन्फ्रेंस है, तो कॉन्फ्रेंस में अगर बात नहीं मन जाती है मान लो, तो आपका क्या आगे काम रहेगा? ये काल अगर बातचीत सफल नहीं हो पाती तो हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक तो उसको न्याय नहीं मिलता हम तब तक बैठे हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारा कोई पर्सनल हित नहीं है। हम तो उस जो हमारा चालक भाई जिसको हत्या कर दी गई है उसको इंसाफ दिलाने के लिए बैठे हैं। पहुँच रही है नहीं पहुँची है प्रशासन अभी तक सोया बैठा है? प्रशासन अभी तक सोया बैठा है। परसों जो मीडिया की तरफ से मिली थी वही 5 बजे मीटिंग है। अभी तक सुबह से रात के 12 बजे से कई बसें बंद हैं और अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई प्रधानमंत्री के साथ। 5 बजे का अंतिम मीटिंग है। तो जो आपके यूनियन के जो मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, तो उनसे आपने मिलने की कोशिश करी है किसी ने? हम उनके साथ संपर्क है सर, उनसे बातें हुई, साझा मोर्चा से बातें हुई हैं। वे कह रहे अभी तक हमारे पास ऑफिशियली कोई नहीं आया है। मैंने मीडिया की तरफ से 5 बजे तक का परिवहन मंत्री का आज 5 बजे मीटिंग है। आपकी मांगे हैं सर? हमारा एक अम्बाड़ा डिपो में साथी था, दिवाली वाले दिन रात को वो पार्किंग की उसको ड्यूटी कर रहा था ठीक। और शरारती तत्वों ने 5-4 लड़कों ने आकर उसकी हत्या कर दी। इस उसके विरोध में एक दिन की हड़ताल रखी है। अब तक उस 3 दिन हो गए, उसकी जो ना डेड बॉडी को दाह संस्कार भी नहीं किया गया है। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या राज हो सकता है? सर हमारी 4 मांगे हैं सरकार से। एक तो उसे के लिए 50 लाख का मुआवजे की मांग है। एक उसके परिवार के बंदे को सरकारी नौकरी की मांग है। और तीसरा जो ना उसको शहीद का दर्जा के उसमें। जिनका मर्डर हुआ है वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है उनका? वो सोनीपत से है जी, राजवीर D-152। अभी अम्बाड़ा ट्रांसफ़र होकर आए थे कुछ दिन पहले। ऑनलाइन सरकार ने जो ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार ट्रांसफ़र किए थे उसमें बदली होकर आई।